गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. बच्चों, हम सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और अभी तक के चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक लड़के और एक लड़की की परवरिश में अंतर होता है और किस तरह से आज भी समाज में स्त्रियों के काम को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है. और जैसा कि हमने एक स्टोरी से पढ़ा था ऊपर कि किस तरह से एक हाउसवाइफ के काम का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ऐसा ही समझा जाता है कि जो लेडी हाउसवाइफ है वो कुछ भी काम नहीं करती. तो अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूइंग हाउसवर्क, घरेलू काम का मूल्य. अब जैसा कि हमने हरमीत की स्टोरी से पढ़ा था, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम है. हमने जैसा कि देखा था, जसप्रीत को क्या कहा जाता था कि वो तो काम ही नहीं करती. हरमीत की जो मम्मी थी और उनके परिवार की और ऐसी ऐसी जो भावना है, ये कोई मतलब अलग कोई भावना नहीं है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में घर के काम करने वाले जो भी लेडी है और जैसे वो जो काम करती है, बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना, खाना बनाना, परिवार का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बुज़ुर्गों का ध्यान रखना, बीमारों की सेवा करना, घर के अंदर के काम, बाहर के काम, इस तरह के जो भी वो एक हाउसवाइफ जो काम करती है उसे उसका कुछ भी महत्व नहीं समझा जाता, क्योंकि उसके लिए कुछ उनको इनकम नहीं होती, उनके लिए उन्हें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए समाज इन काम को अधिक महत्व नहीं देता. अगर घर में कोई लेडी अगर वर्क कर रही है तो ऐसा समझा जाता है ये तो इसका काम ही है, इसके लिए इन्हें पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उनके काम का मूल्यांकन नहीं किया जाता, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती. अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घर पर काम करने वालों का जीवन. हमारा अगला टॉपिक है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घर पर काम करने वाले का जीवन. अब हम एक डोमेस्टिक वर्कर के बारे में देखेंगे. डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर पर काम करने वाले. हमने ऊपर की कहानी जो हमने देखी उसमें तो हमने देखा हरमीत की माँ घर का सारा काम करती थी, उसके अलावा उनके काम के लिए एक मंगला नाम की लेडी थी जो उनके घरेलू कामों में मदद करती थी. अब घर के कामों के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सिटीज़ में लोग ऐसा करते हैं, अपने घर काम करने के लिए एक काम वाली बाई को या किसी छोटी उम्र के लड़के या लड़की को अपने यहाँ पर काम के लिए रखते हैं. और इन लोगों का काम क्या होता है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल करना आदि इनका काम होता है. और जो भी घर के जो काम करने के लिए होती है वो अधिकांश क्या होती है, लेडीज़ होती हैं. और इन लोगों के काम को भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है. और जिन लोगों के घर में दिन भर के लिए इस तरह की कोई बाई होती है या कोई लड़कियां होती हैं, उन लोगों के लिए तो ये और भी बहुत ही परेशानी का काम होता है, उनको भी सुबह जल्दी उठकर सारा काम करना होता है. इसी तरह से यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है आपको, मेलानी. यहाँ पर दिस इज़ वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. यहाँ पर मेलानी नाम की जो ये देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है मेलानी का. मेलानी नाम की जो लेडी है इनका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है, जो कि हाउस होल्ड मतलब क्या नाम से डोमेस्टिक वर्कर है, घर पर काम करने वाली महिला है. इनका जो अनुभव है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली दैट लिव्स इन अ 3-स्टोरीड हाउस. ये कहती है कि मेरा जो पहला काम है, मेरी जो पहली नौकरी है, एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिला इमारत में रहते थे. द
द मैम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन. और वो जो उनकी मैम साहब थी, मतलब मैम साहब करके संबोधित करती होंगी ये उन्हें, जो भी उनकी मालकिन थी, वो क्या करती थी, बड़ी अजीब थी महिला, जोर जोर से चिल्लाती थी. कुछ भी काम करना हो तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उनसे काम करवाती थी. माई वर्क वॉज इन द किचन, देर वॉज टू अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग. और उसने बताया कि उसका काम किचन में था, पर दो और भी थी दूसरी लड़कियाँ जिनका काम साफ सफाई का था. वन डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock. और इनका दिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था. फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 dry roties. और इन्हें नाश्ते में सिर्फ 1 cup चाय और 2 सूखी रोटी दी जाती थी. वी कुड नेवर गेट अ 3rd roti. और ये तीसरी रोटी अगर इन्हें खाने की इच्छा भी हो तो भी वो जो मैम साहब थी इन्हें तीसरी रोटी खाने के लिए नहीं देती थी. इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 other girls वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी. और इन्होंने ऐसा बताया कि जब ये शैम्पू खाना बनाती थी तो वो जो थी दूसरी दो लड़कियाँ वो इनसे एक एक्स्ट्रा रोटी मांगा करती थी. आई वुड सीक्रेटली गेव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ. और इसने बताया मेलानी ने कि यह दो रोटियाँ उन दोनों लड़कियों को दिया करती थी और एक रोटी चुपचाप अपने लिए रख लिया करती थी. तो देखो बच्ची ये बेचारी लेडीज़ दिन भर किसी घर में काम कर रही है तो कम से कम इतने दोनों टाइम पेट भर के खाना नाश्ता चाय देना चाहिए. पर वो जो थी जो रिच लेडी थी दिल्ली की वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी. इन्हें सूखी रोटी देती थी खाने के लिए, वो भी सिर्फ दो, और अगर उसके बाद भी भूख लगे तो इन्हें खाना नहीं दिया जाता था. और इसके बाद देखिए, वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे. और उसने बताया कि हम लोग दिन भर काम करके बहुत भूखे हो जाते थे. वी कुड नॉट वाटर वियर इन द हाउस, चप्पल्स इन द हाउस. और उन्हें घर में चप्पल पहनने की परमिशन भी नहीं थी, जबकि बड़े बड़े जो घर होते हैं आजकल जो टाइल्स होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. और उसने बताया इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विथ द कोल्ड. और उसने बताया कि ठंड के दिनों में उनके पैरों में इतनी ठंडी फर्श होती थी और उन्हें चप्पल भी नहीं पहनने दिया जाता था तो उनके पैरों में बहुत सूजन आ जाती थी. आई यूज टू फीट स्कैट ऑफ द मेम्स ऑफ बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री. उसने बताया कि वो जो थी मेम साहब से बहुत डरती थी पर उसे बहुत गुस्सा भी आता था कि ये क्यों ऐसा करती है, क्यों इनके साथ अच्छे से बात नहीं करती है, इन्हें ह्यूमिलेट किया जाता है, इन्हें अपमानित क्यों किया जाता है, जबकि ये तो काम ही कर रही है जिस तरह से लोग दूसरी जगह काम करते हैं ये भी बाहर आकर काम कर रही है. डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट. मेलानी का ऐसा कहना है क्या हम लोग क्या दिन भर काम नहीं करते हैं, क्या हमारे साथ इज्जत से पेश नहीं आना चाहिए, क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, क्या मेलानी के साथ ये जो व्यवहार किया जा रहा था ये सही था, क्या एक हाउस होल्ड जो वर्कर है क्या कोई अगर हमारे घर अगर कोई काम कर रहा है तो क्या हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्या हम उन्हें भरपेट खाना नहीं देंगे. पर इस तरह से इन लोगों के साथ भेदभाव वाला काम किया जाता है. आगे देखते हैं, आगे देखिए. इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म्स एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क. अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर्ड हैवी फिजिकल वर्क. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर. इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड और ऑफ फायरवुड. यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि बहुत बार क्या होता है घरेलू काम करने वाले जो रहते हैं उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि घर में काम करना भी बहुत परिश्रम वाला काम है, उसके लिए भी बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. कई बार तो जैसे गाँव में जो लोग रहते हैं उनको दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, जो भी जलाने के लिए जो भी वो लोग फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं उसे भी वो लोग दूर दूर से जंगलों से तोड़कर लेकर आते हैं. आगे देखते हैं, इसके अलावा जो घर में जो लेडीज़ काम करती है, कपड़े धोना, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्ड बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग मैनी अलग अलग जो चीज़ें जो उठाकर लाना, सामान उठाना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें
उन्हें करनी होती है। हम बच्चों हम देखेंगे कि जो भी घर में जो भी काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत देर तक चूल्हे के आगे खड़े रहना पड़ता है। और ये सारा काम कौन करती है? लेडीज़ करती है। कपड़े अगर धोने हैं, दूसरा काम अगर करना है, तो इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। और जो भी लेडी है उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसके अलावा इनका जो काम है इसके अंदर शारीरिक मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, जबकि जो भी जेंट्स जो होते हैं वो घर में इस तरह का कोई काम नहीं करते। सारे मेहनत के काम या जिस काम में बहुत लंबा समय लगता है, ये सभी काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। साफ़ सफाई है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है। अगर हम उनके काम की अगर लिस्ट बनाएं तो हमारी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, पर एक महिला के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और इतना सब करने के बाद भी एक लेडी के काम को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, उसे मूल्यहीन समझा जाता है। यहाँ पर हमें एक यहाँ पर टेबल दिया गया है जिसके द्वारा हम समझेंगे। अभी अगला टॉपिक है वुमेन्स वर एंड इक्वलिटी, महिलाओं का काम और समानता। बच्चों जैसा कि हमने देखा, एज वी हैव सीन द लॉ, लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इन नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। बच्चों जैसा कि हमने देखा, जो भी महिलाओं का जो काम है घरेलू और उसके अलावा देखभाल का जो काम है, उसे कम महत्व देना एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है, यह पूरे समाज का मामला है। और यह सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का एक भाग, यह एक पूरी जो हमारी सोशल जो प्रॉब्लम है उसका एक हिस्सा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। यह क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर महिलाओं और पुरुषों में इस तरह की असमानता की जाती है, महिलाओं के काम को कुछ नहीं समझा जाता। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। और इसके समाधान के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं वो ना केवल मतलब एक फैमिली के हो या किसी एक व्यक्ति के हो, बल्कि ये क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर इसके लिए काम किया जाना चाहिए, शासकीय स्तर पर काम किया जाना चाहिए कि किस तरह से एक महिला और पुरुष के काम को बराबर समझा जाए। एज वी नो नो इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है, समानता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और हमारा संविधान कहता है, हमारे भारत का संविधान कहता है कि हमारे भारत के संविधान में कहा गया है कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसके लिए आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड बी नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन रियलिटी इन इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। लिंग के आधार पर इस तरह से जो भेदभाव नहीं किए जाते, पर वास्तविकता में इस तरह के लिंग भेद हमारे समाज में होते हैं। महिलाओं के काम के और पुरुषों में दोनों में भेदभाव किया जाता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके जो भी कारण हैं उसे समझने के लिए और इससे इस स्थिति के जो भी पॉजिटिव जो भी सकारात्मक जो इसके सकारात्मक जो इसके कदम हैं पहलू हैं उसके लिए काम कर रही है। इस तरह के जो पॉजिटिव स्टेप है रेमेडी मतलब इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए वो क्या है, वचनबद्ध है। अब फॉर एग्जांपल, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। और इस तरह का बच्चों की देखभाल करने का जो काम है वो या तो लड़कियों पर होता है या तो महिलाओं पर होता है, और इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर पड़ता है।
और महिलाएं भी इस वजह से घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती है। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो वो क्या नहीं कर सकती, बच्चे को छोड़कर बाहर काम के लिए नहीं जा सकती है। इसके लिए देखिए गवर्नमेंट के क्या यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। इसलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि बच्चों के देखभाल और घर के काम का जो बोझ महिला और लड़कियों पर पड़ता है, इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, और यदि करेगी तो किस तरह का अपना काम का उनका कार्य क्षेत्र होगा। और पूरे देश में इसके लिए गाँव में सरकार ने, शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं। और शासन ने एक कानून यह भी बनाया है कि यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 है तो वहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ता है, क्रेश की सुविधा देनी पड़ती है। क्रेश मतलब बालवाड़ी की सुविधा देनी पड़ती है, जहाँ पर कि उनके बच्चों को रखा जाए। और क्रेश की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे क्या होगा, बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर कि किस तरह से सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए एक पोस्टर आपको आगे दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पर एक छोटी सी एक वो दी है, क्या आप सोचते कि इस वाले पोस्टर में क्या कहने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, अलग अलग पिक्चर्स दिए गए, पोस्टर दिए गए, इसमें आपको एक संदेश भी दिया गया है। मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। देखिए हर काम में आप देखेंगे कि महिलाओं की और लड़कियों की भागीदारी है। यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा भी दिया, आपको एक पिक्चर के द्वारा भी दिखाया गया है कि बंगाल का है यह पोस्टर, बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया गया है, और इसे आधार बनाकर आप एक कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक महिलाओं को दिखाया गया है कितने काम करती है वो घर में, कपड़े धोना, खाना बनाना, स्वेटर बुनना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, बच्चे की देखभाल करना। मगर अगर एक महिला की भूमिका को अगर समझा जाए तो उसके काम को गिनना मतलब इम्पॉसिबल है, उसके अनगिनत काम है। तो इसे देखकर हम कोई नारा तैयार कर सकते हैं, जिसे हम क्लास में जब भी मिलेंगे इस पोस्टर पर, ये जो भी हमने दोनों पोस्टर देखे इसके ऊपर हम क्लास में ज़रूर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।